इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, एडजेक्टिव और टाइप्स ऑफ डिग्री के बारे में देखा था। मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ डिग्री देखेंगे। चलो आज देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज। ये सब है जो पहला पहला बॉक्स में लिखा है वो वाला है पॉजिटिव डिग्री का, सेकेंड है वो कंपेरेटिव डिग्री का, एंड थर्ड वन है वो सुपरलेटिव डिग्री का। डिग्री याद है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। चलो पॉजिटिव डिग्री में ब्लैक है, कंपेरेटिव डिग्री में क्या आएगा, ब्लैकर, सुपरलेटिव डिग्री में ब्लैकेस्ट। सेकेंड क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। थर्ड डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। बच्चों आप लोगों ने कुछ नोटिस किया इसमें? देखो पॉजिटिव डिग्री का तो सिंपल फॉर्म ही रहेगा, जो उसका नाउन का क्वालिटी ऐड करते हैं वही वाला, रेड कलर है, ब्लैक कलर है, ग्रीन कलर है, हॉट है, कोल्ड है, हाई है, शॉर्ट है, टॉल है, वो पॉजिटिव का तो सेम ऐसे ही रहेगा ना। देखो कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ पे मैंने इतने करवाए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 करवाए, उसमें आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? देखो यहाँ पे जो सिंपल फॉर्म है कंपेरेटिव डिग्री में उसके पीछे ER आएगा और सुपरलेटिव डिग्री में उसके पीछे EST आएगा। ओके ये सब कॉमन वर्ड है, उसमें पीछे क्या लगेगा, ER, और सुपरलेटिव डिग्री में पीछे लगेगा EST। देखो सब में पीछे क्या है, ER और EST, ER, EST है, HIGH, तो HIGH पीछे क्या लगा, ER, HIGH और आफ्टर द नेट EST। ओल्ड, ओल्ड में देखो पीछे क्या है, ER और EST है ना। देखो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल की इसमें से देखेंगे क्लेवर का। चलो हमें पॉजिटिव डिग्री में हम लोग कैसा सेंटेंस बनाएंगे, सी इज अ क्लेवर गर्ल, मींस कि वो क्लेवर है। कंपेरेटिव डिग्री में क्या सीखा था हम लोगों ने, दो लोगों की कंपैरिजन, रिया इज क्लेवर देन प्रिया, रिया है वो प्रिया से क्लेवर है। नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या सीखा था, कोई एक ही थिंग, एक ही नाउन, एक ही प्रोनाउन की कंपैरिजन हो एक से दो से ज्यादा लोगों के साथ या तो दो से ज्यादा थिंग के साथ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ज्योति इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन अवर क्लास, मीन्स ज्योति है वो हमारे क्लास में सबसे क्लेवर है। देखो कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ दो लोगों के साथ होता है और सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा लोगों के साथ कंपैरिजन होता है। और याद रखना कंपैरेटिव डिग्री में आफ्टर क्या आता है, देन आता है, और सुपरलेटिव डिग्री में बिफोर द सुपरलेटिव्स क्या आता है, द आता है। चलो अब आगे देखते हैं, एबल, एबलर, एबलेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, रिप, रिपर, रिपेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। चलो यहाँ पे कुछ नोटिस किया किसी ने, क्या है, देखो सब में पीछे देखो, पॉजिटिव डिग्री में पीछे देखो क्या है, लास्ट वर्ड ई है, क्या है, ई है सब में पीछे, ई, गुड, दिखाई दिया ना सभी को, ई है लास्ट में। अब कंपेरेटिव डिग्री में क्या करेंगे हम लोग, पीछे ई है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, आर, क्या, आर। देखो यहाँ पे ए बी एल ई यानी कि एबल और एबलर हो गया ए बी एल ई आर, क्या ऐड किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ आर। देखो लार्ज में भी वैसे ही किया है, लार्जर, लार्ज का स्पेलिंग वैसे का वैसे, पीछे लगाया आर। रिप में भी वैसे ही किया, रिप करे पीछे आर। सेफ में भी देखो स्पेलिंग वैसा ही है, एड आर। वाइट में भी वाइट का स्पेलिंग पहले लिख दिया, देन एड आर। वाइज में भी देखो वाइज का स्पेलिंग लिख दिया और
आर. इन शॉर्ट यू हैव टू एड आर एट द एंड. देखो अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है, जो दिया है पॉजिटिव डिग्री का ऑर्डिनरी फॉर्म दिया है वही वाला पहले लिख दो, ए बी एल ई लिख दिया, ए बी एल ई. आफ्टर देन एड एस टी, क्या लगाना है लास्ट में, एस टी एड करना है. क्या है सब में एस टी, देखो लार्ज का स्पेलिंग पूरा का पूरा वैसे. आफ्टर देन एड एस टी आर आई पी ई, यहाँ पे लिखा आर आई पी ई, देन एड एस टी. इन शॉर्ट यू हैव टू एड एस टी इन सुपरलेटिव डिग्री आफ्टर द ऑर्डिनरी फॉर्म. चलो नेक्स्ट, ये पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. बिग बिगर बिगेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, वेट वेटर वेटेस्ट. देखो बिग का बी आई जी, यहाँ पे देखो बी आई डबल जी ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री में बी आई डबल जी ई एस टी. यहाँ पे क्या है, जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें सीवीसी का कॉन्सेप्ट यूज किया है. बी आई जी, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है, सीवीसी. सीवीसी मीन्स कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट. ओके, बी है वो कॉन्सोनेंट से, आई है वो वोवेल है, और जी है वो कॉन्सोनेंट है. देखो वोवेल्स कौन से है बच्चों, याद है वोवेल्स, ए ई आई ओ और यू. ए टू जेड में से लेकर ये फाइव लेटर है जो ए ई आई ओ यू, वो वोवेल्स है, और जो बच्चे सारे है वो सब है कॉन्सोनेंट. ओके, यहाँ पे देखो सब में सी वी सी उसका ही कॉन्सेप्ट बनता होगा. एफ यानी कि कॉन्सोनेंट, ए यानी कि वोवेल, टी यानी कि कॉन्सोनेंट. एच यानी कि कॉन्सोनेंट, ओ वोवेल, टी कॉन्सोनेंट. एस कॉन्सोनेंट है, ए है वो वोवेल है, डी है वो कॉन्सोनेंट है, टी है वो कॉन्सोनेंट है. लास्ट थ्री लेटर देखना है, एच है वो कॉन्सोनेंट है, आई है वो वोवेल है, और एन है वो कॉन्सोनेंट. समझ में आए, यहाँ पे लास्ट में देखो सी बी सी. डब्ल्यू है वो क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट, क्योंकि वो वोवेल्स में एड किया हुआ नहीं है. ई है वो वोवेल्स है, और टी है वो कॉन्सोनेंट. ओके, जब ऐसा कॉन्सेप्ट हो, जब ऐसा कॉन्सेप्ट हो तब क्या करना है, जो लास्ट वाला लेटर है बी आई जी में जी है, एफ ए टी में टी है, टी डी एन और टी, क्या करना है उसको दो बार लिखना है, बी आई डबल जी कर देना है, क्या डबल टी डबल डी डबल एन और डबल टी. समझ में आए, मतलब कि लास्ट वाला लेटर दो बार लिखो, आफ्टर देन एड ई आर. क्लियर, सुपरलेटिव डिग्री में कैसे करना है, लास्ट वाला लेटर दो बार लिखो, आफ्टर देन एड ई एस टी. क्या एड करोगे, ई एस टी. क्लियर, जब सीबीसी का कॉन्सेप्ट हो तब कंपेरेटिव डिग्री में लास्ट लेटर टू टाइम्स लिखो, आफ्टर देन एड ई आर. एंड सुपरलेटिव डिग्री में कैसे करोगे, लास्ट वाला जो लेटर है पॉजिटिव डिग्री का यानी कि ऑर्डिनरी फॉर्म जो है उसको दो बार लिखो एंड एड ई एस टी. नेक्स्ट, बिजी बिजियर बिजीएस्ट, इजी इजियर इजीएस्ट, अर्ली अर्लियर अर्लीएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, लकी लकियर लकीएस्ट. देखो इसमें क्या करना है, लास्ट वाला लेटर वाई है, क्या है वाई, तब आप लोगों को कंपेरेटिव डिग्री में क्या करना है, वाई को रिमूव करके आई और ई आर, वाई को क्या करोगे रिमूव करके आई ई आर. देखो अर्ली का स्पेलिंग है ई ए आर एल, वाई निकल गया और आई आ गया और ई आर. हैप्पी में भी देखो एच ए डबल पी वाई, वाई निकल गया और आई ई आर, यहाँ पर भी वैसा ही. लकी में भी वाई को रिमूव करो, आफ्टर देन एड आई ई आर. सेम एज हियर इन सुपरलेटिव डिग्री, रिमूव वाई एंड एड आई ई एस टी. रिमूव वाई एंड एड आई ई एस टी. आप लोगों को क्या करना है,
आई को निकाल देना है और आई लगा के ई एस टी कर देना है। हैप्पी में भी देखो वाई निकल गया और आई ई एस टी न कि एल यू सी के वाई, यहाँ पे क्या आएगा एल यू सी के रिमूव वाई एड आई एस टी। चलो नेक्स्ट ये है इरेग्युलर फॉर्म्स, इसमें कोई भी रूल यूज होता नहीं है। बेड वॉल्स वर्स्ट, गुड बेटर बेस्ट, मच मोर मोस्ट। देखो यहाँ पे सीवीसी बनता है कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, फिर भी ये इरेग्युलर फॉर्म में ऐड किया है, इसीलिए यहाँ पे आप लोग ऊपर मैंने सीवीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया वैसे यहाँ पे बेडर बेडेस्ट आप लोग यूज कर सकते नहीं हो क्योंकि ये इरेग्युलर फॉर्म है, इसीलिए इरेग्युलर फॉर्म में ही है ये भी। गुड बेटर बेस्ट, लिटल लेस लिस्ट। चलो नेक्स्ट देखो ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट मोर डिफिकल मोस्ट डिफिकल्ट, ऑनेस्ट मोर ऑनेस्ट मोस्ट ऑनेस्ट, हार्मफुल मोर हार्मफुल मोस्ट हार्मफुल, पॉपुलर मोर पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर, पेनफुल मोर पेनफुल मोस्ट पेनफुल। यहाँ पे देखो वर्ड है वो लॉन्ग होगा यानी कि बहुत सारे लेटर्स से ये एक वर्ड बनता होगा, उसमें आप लोगों को क्या करना है कंपैरेटिव डिग्री में सब में आगे एम ओ आर ई यानी कि मोर लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री में सब में आगे मोस्ट यानी कि एम ओ एस टी लगाना है।